वालेकुम, मैं हूँ मज़हीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज जो डिश मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ वो है बेक्ड फिश, या इसे हम कह सकते हैं ग्रिल्ड फिश। ठीक है, उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पर फ़िश ली है 480 ग्राम्स। ठीक है, ये तकरीबन जो है आधा किलो के करीब करीब है। ठीक है, उसके अंदर और मैरिनेशन के लिए क्या क्या जाएगा, 2 से 3 चम्मच ये बड़े वाले जो हैं मैंने लिए दही के, योगर्ट के। ठीक है, उसके अंदर मैं डालूंगी ए आधी चम्मच लाल मिर्च, हसबे जायका नमक, आधी मिर्च हल्दी, आधी मिर्च सूखा धनिया, और इसके अलावा मैंने ये शान का जो है, मेरे पास आप किसी भी कंपनी का ले, मैंने शान का अचार गोश्त मसाला और शान का ही मैंने जो है वो तिक्का बोटी मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा आधी आधी चम्मच तकरीबन जो है वो मैंने ली। इसे जो है मछली में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और मछली की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने पुदीने का पेस्ट बनाया है ये मैं डालूँगी 1 चम्मच, चिली जो हमारे पास सब्ज़ मिर्ची हैं उसका मैंने पेस्ट बनाया है तो वो लूँगी मैं 1 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये 1 1 चम्मच। ठीक है, उसके अलावा मैंने प्याज का पेस्ट लिया है मैंने तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, ये बड़ी वाली जो चम्मच है जो जो मैंने मैंने ली है योगर्ट के लिए। ठीक है, यही 1 चम्मच मैंने प्याज के पेस्ट की, अदरक और लहसुन के पेस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें जाएगा लीमू का थोड़ा सा जूस और साथ जो है इमली का थोड़ा सा पल्प में डालूंगी। ठीक है, चलते हैं बनाने की तरफ, मैरिनेट करने की तरफ है मैरिनेशन की तरफ। मैं क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं योगर्ट डालूंगी, योगर्ट के अंदर मैंने डाल दिया पुदीने का पेस्ट, मिर्चों का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और मैं इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। के अंदर मैं डालूंगी प्याज का पेस्ट। ठीक है, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। ठीक है, जितने भी मैंने स्पाइसेस आपको बताए थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और इसके अलावा जो है तिक्का बोटी और शान का जो है अचार गोश्त मसाला, ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ताकि हमारे पास बड़ा अच्छा सा जो है वो एक पेस्ट बन जाए। देखिए, अब हमारे पास एक जो है अच्छा सा पेस्ट बन गया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प तकरीबन 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, इससे जो है पानी पानी हो जाएगा, तो आपने सिर्फ तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इमली का पल्प डालना है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच। ये हमारा जो है पेस्ट अच्छे से बन गया। अब मैं इसके अंदर जो है अपनी जो मछली है वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी किस्म की मछली ले रही हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है रोहू ली है। ठीक है, आप कोई भी मछली ले सकते हैं, और मछली की एक ख़ास स्मेल होती है, उसे ख़त्म करने के लिए जो है आपको ट्रिक बता दूं कि जब मछली आती है तो आपको धोते वक्त अगर हमारा जो आटा है वो अगर उस लगाएं उसके ऊपर लगा के 1 मिनट के लिए उसे अच्छे तरीके से जो है मले, तो उससे क्या होता है, और उसके बाद धो लें 1 मिनट के लिए छोड़ के धो लें, तो उससे जो मछली की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और मछली बड़ी अच्छी से साफ़ हो जाती है। तो मछली के जितने भी पीसेस हैं वो मैं लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से जो है मैं सारा मसाला जो है उसे लगा दूँगी। ठीक है, आराम से लगाएंगे ताकि मछली जो है हमारी वो टूटे ना। हमने मसाला लगा लिया। ठीक है, मछली के तमाम पीसेस को मसाला लगाएंगे और इसके बाद हम जो है इसको 1 घंटे के लिए, तकरीबन जो है 1 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। ठीक है, हमारा मसाला लग गया। अब इसके ऊपर जो है मैं लीमू जो है वो स्क्वीज़ करूँगी।
हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करूँगी, वैसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है, इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आप जो है वो फ्रिज में रख लें, ठीक है, ताकि जो इसकी मैरिनेशन वो अच्छे से जो है वो हो जाए। उसके बाद हम इसकी पकाने की तरफ आएंगे। अब 2 घंटे के बाद जो है वो मैंने फ़िश को निकाल ली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1/2 कप जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसको ऑयल का डालेंगे। ठीक है, 1/2 से भी कम, ये मैंने जो है ऑयल का डाल दिया, 1/2 से भी कम डाले, तकरीबन 2 चम्मच जो है बड़े जो मैंने आपको दही के दिखाए थे वही आप अकॉर्डिंगली अपनी फ़िश, जितनी आपकी फ़िश है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ऑयल डाल दें। अब इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि सारी फ़िश के ऊपर जो है वो ऑयल लग जाए और मसाला भी जो है एक दफ़ा सब पे अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। अब हमने मैंने जो है ओवन को प्री हीट कर लिया है, ठीक है, 200 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसे जो है वो ग्रिल करते हैं। देखिए ओवन मेरा प्री हीट हो गया, अब इसे मैं क्या करूँगी, मैं अपनी फ़िश को जो है इसके ऊपर रखती जाऊँगी। ठीक है, अब मसाले के अंदर डिप करके आप अपनी फ़िश को इस तरीके से ओवन में रख देंगे। ठीक है, इसलिए मैं सारी फ़िश को रखती हूँ। अभी मैं इसका जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दूँगी, 200 डिग्री के ऊपर जो है मैंने इसे प्री हीट किया था, तो अब मैं इसे जो है वो 180 के ऊपर जो है वो ले गई हूँ। ठीक है, अब इसे हम बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको जो है मैं पकने दूँगी। ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँगी इसके ऊपर ना एक साइड के ऊपर ऑयल लगाऊँगी और फिर इसकी जो है ना साइड चेंज करूँगी, ताकि ये इसका जो मसाला है वो स्टक ना हो, ठीक है, इसके साथ, इस ग्रिल के साथ। ठीक है, मैं आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश से लगा लें, ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ ब्रश देन यू हैव टू यूज अ चम्मच स्पून। ठीक है, आप स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल जो है वो नहीं है तो मैं स्पून से लगा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, आप ब्रश से लगाएं उससे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे ऑयल लगा लिए। ठीक है, अब इसे 2 मिनट के बाद जो है मैं इसकी जो है वो साइड चेंज कर दूँगी। ठीक है, अब ये देखिए मैं 2 मिनट के बाद जो है इसका साइड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, जो है साइड आप आराम से जो है प्याज के साथ इसकी साइड चेंज कर दें। ठीक है, 15 मिनट हो गए। ठीक है, और हमारी जो फिश है वो देखिए कितनी खूबसूरत डन हो गई है। ठीक है, और अभी मैं इसे जो है वो डिश आउट करती हूँ, तो फिर मैं इसकी जो है आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक है, ठीक है, और मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा दूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ठीक है, और ये देखें बहुत यम है, अंदर तक जूसी है। ठीक है, ये देखिए अंदर तक जूसी है। ठीक है, जूस अंदर तक गया हुआ है, जो भी मैरिनेशन की है अंदर तक गई हुई है। आप चाहें तो इसको जो है वो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत आसान मैरिनेशन है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मैं फिर आइंदा किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।